अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 92 में खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त आर्ट काउंसिल में मौजूद हूँ और मेरे साथ उभरते हुए सितारों के हवाले से अगर बात की जाए तो एक ऐसे आर्टिस्ट मौजूद हैं अज़ीज़ुर रहमान, इनसे जानते हैं आज के इवेंट के बारे में या क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है इन्होंने बहुत अच्छी खूबसूरत तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। मैं एज़ अ मॉडल कैट मॉडल एजेंसी की तरफ से आया हूँ, जो कि इससे पहले भी मैंने इनके साथ काम की है कैट मॉडलिंग एजेंसी की तरफ से। और जो भी हमारे यंग टैलेंटेड बच्चे आएंगे उनको मैं यही पैगाम दूंगा कि जो कैट मॉडलिंग एजेंसी है ये ज्वाइन करे और इस तरह के इवेंट जो है ना शोज ज्वाइन करे जिनको अपने टैलेंट का अपने प्रमोशन हो। अगर बात की जाए आर्टिस्ट के हवाले से तो बड़ा सवाल रहा है और अब तक चल रहा है, तो क्या कहते हैं आपको, क्यों शौक पैदा हुआ कि मैं एज ए आर्टिस्ट एज ए मॉडल जो है इस दुनिया में पाँव रखूँ, कैसे? क्योंकि अगर एंटरटेनमेंट की बात करें या अगर स्कोप की बात करें कि इस कल्चर की बात करें तो ऐसे इवेंट्स होनी चाहिए, शोज़ होनी चाहिए जिससे बंदे की जो है ना प्रमोशन होती है या हमारे कल्चर या यंग टैलेंट को इस तरह के जो है ना वो मिलते हैं। भाई कितना आपको टाइम हो चुका है यहाँ तक आने तक के? मैंने तो अभी बेसिकली स्टार्टिंग की है, अभी मेरा स्टार्टिंग है। आज आपने मॉडलिंग की कैटवॉक की है? जी जी, मैंने आज स्टेज पर मैंने मुझे तो अच्छा लगा, मुझे शो भी अच्छा था और मेरा जो एजेंसी था वो भी बहुत अच्छा था, तो मुझे बहुत मज़ा आया बैक स्टेज के ऊपर। जी बिल्कुल, ये थे मॉडल, कैटवॉक भी की आज, इंजॉय भी किया और आने वाले आर्टिस्ट के हवाले से उन्होंने एक पैगाम भी दिया कि इस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए। इसी के साथ एक और भी स्टार्स मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं आज के इस इवेंट के हवाले से।